डंबल आई मीन। आज का हमारा टॉपिक है लैटरल डेल्टॉइड एंड उसको हम लोग कवर करने वाले हैं डंबल लैटरल रेजेस से। सब लोग ये फॉर्म गलत करते हैं राइट, सो हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं। सो आप लोग ये वीडियो देख के अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। इसमें हेल्प करेंगे हमारे सर सनी गुप्ता। ओके तो ये होता है गलत फॉर्म, अभी करते हैं करेक्ट फॉर्म। चल फॉर्म करेक्ट कर। ओके एल्बोज में सॉफ्ट बेंड और एल्बोज और शोल्डर का लेवल एकदम मैच होएगा और हमारा रिस्ट का जो रहेगा वो रहेगा थोड़ा सा वाटर पोरिंग एक्शन नहीं ऐसे। एंड एल्बोज में सॉफ्ट बेंड एंड सिर्फ शोल्डर लेवल तक एल्बो उठेगा और उसके बाद स्लोली नीचे लेकर आना कंट्रोल में। यस तब देखना लैटरल डेड में कितना अच्छा प्रेशर आएगा। ओके थोड़ा सा गलत हो रहा है फॉर्म यहाँ पे, बट ठीक हैवी वेट से। एंड एक और बात बता देता हूँ, लैटरल डेल्टॉइड बहुत ही छोटा मसल है और उस पर ज़्यादा वेट देना भी नहीं चाहिए जब तक आपका कोई गोल बॉडी बिल्डिंग ना हो या फिर आपका मसल बहुत बड़ा ना हो। छोटा मसल है तो लास्ट टू लास्ट 5 या 7.5 LBS तक आप वेट ले सकते हो एक ही वेट बराबर। एंड सबसे पहली बात, लैटरल डेल्टॉइड होता किधर पे? इधर पे, ये है लैटरल डेल्टॉइड। यस ये एंटीरियर डेल्टॉइड, लैटरल डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, समझा क्या? इसको आप लोग ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हो एंड उसका करेक्ट फॉर्म ये है कि एल्बोज में सॉफ्ट बेंड एंड उसको स्ट्रेट उठाना है लाइक दिस। शोल्डर लेवल से थोड़ा सा आगे रहेगा एल्बो एंड एल्बो मेक श्योर तुम्हारा शोल्डर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे इधर तक जाएगा एंड स्लो डाउन। रिस्ट का पोजीशन एकदम स्ट्रेट रहेगा, खाली थोड़ा सा वाटर पोरिंग एक्शन करना है। ओके सो ये है हमारा लैटरल डेल्टॉइड, ये दिख रहा है ना, ये है लैटरल डेल्टॉइड और एंटीरियर डेल्टॉइड यहाँ निकलता है। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना इसका, ये एंटीरियर डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड पीछे होता है जो ट्राइसेप से दिखता है। उसका टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो।